बैकअप नहीं आ रहा क्या सर? सपोर्ट के लिए आपकी। एक और पुलिस बैकअप मांग रही है, दूसरी ओर पत्थर चल रहे हैं। पुलिस बिल्कुल बेबस खड़ी है। एक ओर से सैकड़ों लोग नारे लगा रहे हैं और फिर शुरू हो जा रही है धुआंधार पत्थरबाजी। पुलिस वाले बिल्कुल निरीह नजर आ रहे हैं। एक पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुप जा रहा है और उसके बाद जैसे ही मौका मिल रहा है सभी पुलिस वाले भाग रहे हैं, लेकिन पत्थरबाज लगातार हंस रहे हैं। एक और तस्वीर भी देखिए जिसमें पुलिस वाले खड़े हैं और सामने से धुआंधार पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस सिर्फ बैकअप का इंतजार कर रही है। बैकअप नहीं आ रहा क्या सर? सपोर्ट के लिए आपकी। ये तस्वीरें सहारनपुर के शेखपुरा की हैं। दासनाथ शिवशक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पहले कुछ लोगों ने पुलिस को यति के खिलाफ एक ज्ञापन दिया, लेकिन इसके बाद भारी भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई और इसके बाद हालात इतने खराब हुए और भीड़ उग्र होती चली गई। हालात संभालने के लिए देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भीड़ शांत कराने के लिए लाठियां भाज दी। जैसे ही लाठी भाजी गई वैसे ही पत्थरबाजी शुरू हो गई और उसके बाद हालात ऐसे बिगड़े जो आप वीडियो में देख सकते हैं। शेखपुरा कदीम में जो गांव चौकी क्षेत्र में हमारा जो शेखपुरा गांव है उसके गांव प्रधान और किसान यूनियन के नौशाद जो हैं उनके द्वारा ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम दिया किया गया था, जिसमें ज्ञापन शांतिप्रिय तरीके से चौकी पे ले लिया गया था। उसके बाद ज्ञापन देने के बाद कुछ गाँव से लोग इकट्ठा हुए जिसमें कुछ नए उम्र के लोग भी लड़के भी थे, उनके द्वारा कुछ वहाँ पे हंगामा करने का प्रयास किया गया और कुछ पत्थर भी उनके द्वारा उठाए गए। तुरंत पुलिस ने वहाँ पे हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको तितर बितर कर दिया है। अब इसमें पुलिस की तरफ से हम मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल पुलिस ने व्यवस्था पर काबू पा लिया है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। यति नरसिंहानंद को लेकर आक्रोश काफी तेज है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन हो रहे हैं। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।